तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो, तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। इंसान को सफलता का लक्ष्य मालूम ही नहीं है, इसलिए सफलता भी हमारी सफल बने इसके लिए पहलू क्लियर होना बहुत जरूरी है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना में परमात्मा से जीव कल्याण के लिए ऐसे शब्द कहें जिससे भाव जगे, तरंग उठे और वह तरंग चारों तरफ का वातावरण पॉजिटिव बना दे, नकारात्मक तरंग समाप्त हो जाए। आपके शब्दों में जो तरंग का जादू है, वाइब्रेशन है, जो आकाश तत्व में मिल जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है, वातावरण को शुद्ध करती है, ऐसी तरंगें चारों तरफ फैलकर सबका कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य दे, सबको समृद्ध करें, सबको अपनी याद दिलाए, सभी में स्वबोध जगाए, ऐसी शक्ति आपके शब्दों में है। आपके सकारात्मक विचारों में है। उन तरंगों को वाइब्रेट होने दें, हृदय से करें, उसके साथ भाव भी जोड़ें। ये भाव आपको ग्रहणशील बनाते हैं, अंतर मन तक विश्वास को पहुंचाते हैं कि ये संभव है, सभी स्वस्थ हो सकते हैं, सभी भाईचारे के साथ रह सकते हैं, सभी इस अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं कि कम बनाया गया है, छीनकर ही प्राप्त होता है। ऐसा अज्ञान आपकी प्रार्थनाओं से समाप्त हो, इस समझ के साथ सभी प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आपने सब भरपूर बनाया है, आपके दिव्य योजना में सबके लिए आनंद है, प्रेम है, समृद्धि है, पैसा है, स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है। यह ज्ञान सब में फैल जाए, सभी दिल से दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों की मदद करें, सही निमित्त बने। आप ऐसा आशीर्वाद हम सबको दो ताकि विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए,
सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर स्वर्ग जैसा जीवन जिए, एक दूसरे के विकास में खुश हो जाएं, एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए कोशिश करें, केवल अपना स्वास्थ्य नहीं सबका स्वास्थ्य उनको प्यारा लगे, ऐसा धरती पर स्वर्ग बन सकता है। हे परमात्मा, आपका ऐसा शुभ्र प्रकाश हर जीव पर बरसाओ, वाइट लाइट सब पर बरसे, ताकि हर जीव से दुख दूर हो जाए, नकारात्मक फीलिंग समाप्त हो जाए। आप यही चाहते हो, आप सदा से ये संदेश देते रहे हो, हम सब इस संदेश के लिए ग्रहणशील बने, ऐसे हम सब पर कृपा करो। हे परमात्मा, हर इंसान का अंतर्मन केवल सकारात्मक चीज़ों के लिए ग्रहणशील बने, नकारात्मकता को कोई जगह नहीं है, वह केवल अज्ञान का परिणाम है। यह अज्ञान मिट जाए, सभी अंतर मन तक कन्विंस हो जाए कि सबके मंगल में ही हमारा मंगल है, सभी के स्वास्थ्य मुक्ति में हमारी मुक्ति है, हमारी यह याचना पूरी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में आप इस प्रार्थना को दोहराते रहें, जो समय इस वक्त प्रार्थना के लिए मिला है वह ऐसे उपयोग में लाएं ताकि सबका कल्याण हो। अपने शब्दों की तरंग को पूरे विश्व में जाते हुए महसूस करें। महसूस करें सकारात्मक तरंगों को, विजुअलाइज करें शुभ्र प्रकाश को जो पृथ्वी पर उतर रहा है, हर जीव पर बरस रहा है, सभी गीत गा रहे हैं जैसे पक्षी अपनी आवाज में चहचहाते हैं, हर मनुष्य प्रेम के गीत गा रहा है, सबको मदद कर रहा है, ऐसा दृश्य प्रकट हो रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
तो सफलता का लक्ष्य पहले समझे कि लक्ष्य में आप पैटर्न से मुक्त हो गए। और क्यों हुए? क्योंकि आपको एक सफल होने का टास्क दिया गया, सफल होकर दिखाओ। अब सफल होने के लिए आप कार्य करोगे। अगर लक्ष्य मालूम नहीं होगा तो क्या करोगे? झूठ कपट करके सफल हो जाओगे, मगर वो असफल सफलता होगी। लोग कहेंगे ना, हम सफल हो गए, हमने इस तरह का बिजनेस शुरू किया, इस तरह हथियारों का बिजनेस किया, इस तरह ड्रग्स का बिजनेस किया, इस तरह लोगों की जरूरत पूरी की हमने, लोगों को गुमराह किया और सफल भी हो गए, तो वो सफल सफलता नहीं है। क्योंकि उसमें मन कैसा बना, उल्टा वो तो असफल सफलता हो गई, उसमें मन और बिगड़ गया। इंसान को सफलता का लक्ष्य मालूम ही नहीं है। इसलिए सफलता भी हमारी सफल बने, इसके लिए ये पहलू क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये सफलता प्राप्त करते करते उसके पीछे आपने सब पैटर्न से मुक्ति पाली, तमोगुण से मुक्ति पाली, तो आपने सफलता का लक्ष्य प्राप्त किया। और कुछ न करने की कला और बीज डालने की कला सीखकर आप अपने मंजिल तक पहुंच गए। दो मित्र गए थे किसी गुरुजी के पास, सुना था कि वे उनके सवाल का जवाब दे पाएंगे, तो अपना सवाल लेकर गए। तो गुरुजी से सवाल पूछा कि इंसान के दुख का कारण क्या है? ये कहता है शरीर दुख का कारण है, वो कहता है रिश्तों में तनाव दुख का कारण है, पैसे की तंगी कारण है, ये कहता प्रेम न मिलना कारण है, मगर मुझे तो लगता है ये कारण है वो कारण है, ऐसे वो गुरुजी से सवाल पूछते हैं। तो जैन गुरु थे, उन्होंने डंडा उठाया और कहा चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो सिर फट जाएगा तुम्हारा, एक ही वार से चुपचाप बैठा दिया, आंखें बंद की, आंख खोली तो डंडा पड़ेगा, तो अच्छी मुसीबत हो गई। एकदम चुप करके बैठे, जैसे बच्चों का बैठाते हैं ना, चलो आंख बंद करके बैठो, तो वो कैसे आंखें छिपकाते हैं, अभी क्या बाहर क्या चल रहा होगा। और गुरुजी खड़े, बिल्कुल आंख मत खोलना, आंख खुली कि सिर फटा तुम्हारा, तो कैसी अवस्था होगी? उस अवस्था में आप अपने आप को महसूस करके देखो। तो बैठना ही पड़ेगा चुपचाप। तो समय के साथ क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, कि पहले तो एक अवस्था है ट्रॉमा की, एक एंजाइटी की, एक ऐसी घटना हुई है अचानक, अनएक्सपेक्टेड, जैसे अचानक किसी का एक्सीडेंट होता है, कैसी अवस्था होती है। अब क्या करे क्या न करे सोचता ही नहीं है, तो ऐसी अवस्था आ गई कि अचानक पता नहीं था कि एक्सीडेंट जैसे कि हो गया, आँख खोल नहीं सकते। जब तक कहा नहीं जाए आँख मत खोलना, अब चलो कुछ देर के बाद तो आँख खोलने के लिए कहेंगे, मगर तब तक तो चुपचाप सहयोग करना है वरना मुसीबत हो जाएगी। तो आँख बंद करके बैठे हैं, जैसे जैसे बॉडी रिलैक्स होने लगती है, आँखें मिचमिचा रही थी तो वो थोड़ी शांत होने लगती है, धीरे धीरे सब चीज़ें सेट होने लगती है, और अंदर जो तूफान था विचारों का वो कम कम होने लगता है, कि पहले कैसे विचार है, अरे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसने बोला आने के लिए यहाँ, इसने वो, तो सब तरह के विचार चले, सब तरह के विचारों का दर्शन चल रहा है। फिर जब शांत अवस्था होने लग गई, जैसे कि समाधि की अवस्था आ जाती है, इंसान कभी ऐसे बैठता ही नहीं है, कुछ अवस्थाओं में इंसान ने मौका ही नहीं दिया है शरीर को। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया।
आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।